मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बहुत सारे वीडियो आप सभी लोग देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को सादर धन्यवाद है। सभी के साथ जुड़ते हुए धीरे धीरे 23,000 सब्सक्राइबर की ओर मैं पहुँच चुका हूँ। कुछ वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस वीडियो में मैं यही बात चर्चा करने के लिए आया हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि करमाला से जुड़ा हुआ एक वीडियो और आए। विशेष रूप से आप लोग चाहते हैं कि गणेश जी संबंधी जो हर पूजा है उसे संबंधित कुछ वीडियो आए, तो ये सब श्रृंखला बनते जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट अब तैयार हो रहे हैं और उस प्लेलिस्ट में आप जा करके पूजा संबंधी प्लेलिस्ट जैसे बनेगा, दुकानदारी के उपाय संबंधी जो प्लेलिस्ट बनेगा उसको आप देखेंगे, उसमें आपको क्रमशः शुरुआत से बताऊँगा। मेरा प्रयास है जैसे कोई व्यक्ति पहले वर्णमाला को सीखता है, उसके बाद शब्द की ओर जाता है और उसके बाद वाक्य की ओर जाता है, वैसे ही जब हम कोई उपाय करते हैं तो उपाय कब कारगर होता है, कब उसका प्रभाव दिखता है, उसको देखने के लिए पहले हमको शुरुआत से सीखना पड़ेगा। इसको लेकर के हो सकता है आप लोग धीरे 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 उसको देखते जाएंगे। और कल यानी शुक्रवार से ये विशेष रूप से मेरा जो पहला वीडियो है कि गल्ला जो है वो कैसा होना चाहिए। हम लोग सुनते बहुत हैं लेकिन जब तक देखते नहीं हैं तो हमारी आंखों पे हमको भरोसा नहीं होता, तो सुनते हुए देखना भी सीखेंगे। और गल्ला सही रूप से विधिवत रूप से कैसा होना चाहिए, कहाँ पे स्वास्तिक होना चाहिए, दुकान के फ्रंट द्वार में मुख्य द्वार में क्या होना चाहिए, मोर पंख लगाना है तो कैसा लगाना है, ये सभी बातों पे मैं चर्चा करूँगा। साथ ही साथ आप सभी के बीच और बहुत सारी बातों पर मैं चर्चा करूँगा, जैसे वास्तु में आपको घर लेना है तो उसका प्लॉट का दिशा कैसा रहे, आपने प्लॉट ले लिया है तो आप उस प्लॉट के हिसाब से कहाँ पे क्या स्थिति बना सकते हैं। होता क्या है, जीवन में हम लोग जब वास्तु को देखते हैं और पूजा पाठ को देखते हैं तो जब क्रमशः हम सही रूप से करते हैं तो पूरा प्रभाव आता ही आता है, नहीं तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि सब अच्छा हो करके भी उसका प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। जब तक आप घर के मुख्य द्वार में लगे हुए ताले को चाबी से नहीं खोलेंगे तब तक आप बाहर कैसे जा पाएंगे, तो इसी ताले की जो छोटी सी चाबी है शायद वो आप लोगों से कहीं घूम गई है। इसका मतलब ये है कि आप लोग सब नियम को जान रहे हैं लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, इसको मैं बताऊँगा अपने श्रृंखला नुमा प्लेलिस्ट के माध्यम से। आप सभी मेरे प्लेलिस्ट में जुड़ते चले जाएँ और उन प्लेलिस्ट के आधार पर आप वीडियो को देखते जाएँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल से आप गल्ला संबंधी वीडियो को जरूर देखेंगे और शाम को 6 बजे अवश्य मेरा वीडियो आएगा, उसको जरूर देख ले। सुबह में भागवत संबंधी भी वीडियो आता है ताकि आप सभी भागवत चर्चा में भी जुड़े, पिताजी से जुड़ा हुआ भागवत का वीडियो आता है उसको भी जरूर प्यार दें। साथ ही साथ कुछ और अच्छे वीडियो आएंगे जो मैं आप सभी को अपने पोस्ट के माध्यम से कम्युनिटी में बताता जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।